अब हम सीखते हैं मधुबनी पेंटिंग में बनाई गई एक पीकॉक की डिजाइन। पहले मैं इस पीकॉक को पेंसिल से ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसकी डिटेलिंग करके आपको बताऊंगी। आप भी चाहें तो इसे पेंसिल से ड्रॉ कर लें, उसके बाद इसको कलर से ड्रॉ करें, डबल लाइन करें और फिर कलर करें। पीकॉक की ड्राइंग की आउटलाइन कंप्लीट कर ली है, इसकी डबल लाइनिंग भी हो चुकी है। अब थोड़ा सा और डिजाइन बनाने के बाद हम इसको कलर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसमें कलर और कचनी दोनों का इस्तेमाल होगा और बेस कलर में ब्लू, पर्सियन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है पीकॉक को कलर करने के लिए, और बाकी रंगों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो इसके होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को ब्लू कलर से पेंट किया जाएगा। ये बाहर के पंखों पे जो पैटर्न मैं बना रही हूँ, इसकी डबल लाइनिंग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम पंखों के चारों तरफ ये पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे और इस पैटर्न को हम एक कचनी और एक कलर भी कर सकते हैं या सारा कचनी भी कर सकते हैं, सारा कुछ कलर भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसे ड्रॉ करें और कलर करें। ध्यान से देखें, ये इतना कठिन बनाना इतना कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान से इसको ड्रॉ करते हुए देखना है कि किस तरह से ड्रॉ किया जा रहा है। आप एक एक पैटर्न को जोड़ें और इसका एक पार्ट फिनिश होने पर ही दूसरा पार्ट शुरू करें। मतलब ये है कि पहले आप इसकी आउटलाइन ड्रॉ करें, उसके बाद आप इसके अंदर जैसी डिटेलिंग करना चाहें, कलर और कचनी का इस्तेमाल करते हुए अपने इमेजिनेशन के हिसाब से आप इस पीकॉक को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ कचनी और कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड कचनी, और मैं कचनी के पार्ट को कंप्लीट कर रही हूँ, इसके बाद में इस पीकॉक को कलर करूंगी। स्ट्रेट लाइन कचनी का यूज हो रहा है यहाँ। हम इसके पंखों को लाल, हरा, ऑरेंज, पीला, पीले किसी भी कलर से कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के इस पार्ट को और इस पार्ट को हम ब्लू कलर से करेंगे, पर्सियन ब्लू, और बाकी पार्ट्स के लिए हम अपने हिसाब से कलर्स को चूज कर सकते हैं।